एडिशनल एसपी एके श्रीवास्तव ने कहा कि बदायूं हत्याकांड में चार टीम फरार आरोपी जावेद को ढूंढ रही है और डीजीपी और सीएम योगी भी बड़ी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। सुनिए जरा, दो बच्चों की नरम तरीके से हत्या हुई है, सरकार से किस तरीके से मुआवजे की कोई पहल की गई है परिवार की तरफ से? अभी एडीएम साहब और डीएम साहब इस मामले में बहुत आपको डिटेल में बता पाएंगे मुआवजे के संदर्भ में। ये भी कहा कि प्रशांत कुमार जी और योगी आदित्यनाथ जी लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सारे वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और हमारी टीम जो है दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी कर रही है। काफी टेंस माहौल था, कल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी से सख्ती से निपटा भी गया और लोगों में गुस्सा भी काफी ज्यादा है क्योंकि एक परिवार ने दो मासूम बच्चों को गंवाया है। निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना है और ये चैलेंजिंग घटना भी थी पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की और जो भी आरोपी है साजिद जावेद का कोई सुराग मिला, कहाँ पर है? क्योंकि हमने सुना है पांच टीमें उसको ढूंढ रही हैं। नहीं, हमारी चार टीमें लगी हुई हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जैसे भी वो गिरफ्तारी होती है हम आपको बहुत जल्द पकड़ लेंगे। बदायूं की घटना पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। शिवपाल यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन आर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया आत्मघात, फिर कैसे बताएं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे केस? योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी। समाजवादी पार्टी के नेता बदायूं डबल मर्डर पर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, जिसके जवाब में बीजेपी का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता आरोपियों के समर्थन में खड़े हैं। लगता है कि बार बार योगी आदित्यनाथ जी के ये दावे बेकार हुए जा रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। को घटना पर दुख नहीं है, वो जो अपराधी मारा गया उस पर दुख है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नीति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल को अपने अपने विचारों से ऊपर उठकर जो घटना गलत है उसकी निंदा, और जो घटना पे अगर पुलिस की कार्रवाई सही है तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए। से घायल हो गया है। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया, आगजनी भी की। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि हालात अभी काबू में है और हत्या की वजह की जांच की जा रही है कि आखिर यह हत्या इतनी निर्ममता से क्यों की गई और एनकाउंटर में इसके बाद हुआ तो साजिद जो है वो मारा गया है, वो ढेर हो गया है पुलिस के साथ एनकाउंटर में, और जो दूसरा उसका भाई आरोपी है जावेद जिसका नाम है वो फरार बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में ये इस तरह से निर्ममता से दो नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आरोपी है साजिद, इसका पुलिस के साथ एनकाउंटर में ये मारा गया है, दो बच्चों की हत्या करी इसने अपने साथी जावेद के साथ मिलकर जो अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है और ये वो आरोपी है जिसने इन दोनों ही बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी। तीसरे भाई पर भी हमला किया, वो बुरी तरह से घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बदायूं से ये वारदात सामने आई है जहां बेहद निर्ममता से दो मासूम नाबालिगों की हत्या कर दी। वो यहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि दो बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने के प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके बहुत हो गई और
उसको जो है अपनी जगह पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस का वर्जन आपने सुना। ऐसे में बताया जा रहा है कि नाबालिग भाइयों के घर के सामने आरोपी साजिद बाल काटने का काम करता था। देर शाम आरोपी साजिद अचानक से बच्चों के घर की छत पर पहुंच गया और वहां धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। इस दौरान घर में बच्चों के साथ उनकी दादी भी मौजूद थी। साजिद के हमले में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो तीसरा बच्चा है अपनी जान बचाने के लिए अपनी छत से ही कूद गया। इसके बाद दादी जो है उसने तीसरे बच्चे के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया और किसी तरह से उनकी जान बच सकी। इस पूरी वारदात के बाद इलाके में टेंशन है, तनाव फैल गया है। आसपास के लोग जो है उनकी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने वहां जमकर आगजनी भी की। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में ये वो आरोपी साजिद है जिसका पुलिस एनकाउंटर में जिसको कि ढेर कर दिया पुलिस ने, और दूसरा इसका जो साथी है जावेद वो फरार है। दो भाइयों की इसने निर्ममता से हत्या की और अब पूरा इस वारदात के बाद इलाके में तनाव देखने को मिला। कई जगह लोगों ने आगजनी भी मार दी। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। दुकान जाती थी उसकी कभी कभी कटिंग लेकर आने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, उनके इन्हीं के यहाँ रोज इन्हीं का ज्यादा देखा। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई भाई। अच्छा, बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काट, तो भैया भैया 20 वाले से तम्बाकू मंगाई, एक से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई, जब मैंने देखा देखा यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने बाहर गेट बंद करवा दिया, फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस वाली पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कुछ नहीं बोला, बस यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है, 3 ग्लेशियर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने आइसलैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया।